हम जहाँ पर हमने अपना लास्ट लेक्चर को स्टॉप किया था वो था डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस डिजाइन इश्यूज में। हम आर्किटेक्चर को डायग्राम को रीड आउट कर रहे थे। हमने इस डायग्राम में जो लास्ट मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस डिजाइन का में कुछ इंट्रोडक्शन बताई थी और इसके बाद कुछ स्कीमा का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा था, डिजाइन स्कीमा का बता रहा था। उसके बाद डिजाइन की जो टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस और बॉटम अप डिजाइन प्रोसेस है उसके बारे में आपको डिटेल बताई। जो उसके बाद डायग्राम के पर आपको एक्सप्लेन बता रहा था उसमें आपको मैंने अपर लेयर जो डिस्ट्रीब्यूट डिजाइन से ऊपर ऊपर तक जितनी लेयर उस तक मैंने आपको बता दिया कि फिर एक दफा रिपीट कर देंगे। तो इससे एक दफा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको इसके साथ फ्लो में अटैच हो जाए। इससे ऊपर डिजाइन डिस्ट्रीब्यूट डिजाइन से ऊपर जितनी भी लेयर्स है वो ऑलमोस्ट सेम है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम के साथ। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइन ही डिसाइड करता है कि आपके डिजाइन का प्रोसेस कितना डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और किस जगह इसकी प्लेसमेंट होगी। दो बात ये ही डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमा में पढ़ा था। जो नीचे की जो तमाम एक्टिविटीज हैं नीचे डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइन से नीचे वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इंडिविजुअल साइट पर होती है, रिलेटेड टू ईच इंडिविजुअल साइट में। मतलब ये कि लोकल और कंसेप्चुअल स्कीमा जितनी भी अगर इंडिविजुअल साइट पर हो तो उसको मीन लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा, जहाँ पर आपने अपनी तमाम साइट रखी होती है। ये लोकल स्कीमा स्कीमा लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा में जितने आपने तमाम साइट्स को रखा होता है इंडिविजुअली। और फिर उधर से आप एक फिजिकल डिजाइन को गेट करते हैं। फिर उसके बाद फिजिकल डिजाइन जो आपने जिस तरह के डिजाइन इस प्रोसेस में वही प्लेसमेंट आ गई ना, जो आपको बताया था। डिस्ट्रीब्यूट डिजाइन दो चीजें ऑब्जर्व करता है, एक डिजाइन बनाता है और दूसरा उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करता है। तो लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा तो में यही हो गया कि वो प्लेसमेंट डिसाइड कर रहा है लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा में, और फिजिकल डिजाइन और फिजिकल स्कीमा में वो इसका डिजाइन को ओवरव्यू कर रहा है, ये डिजाइन की प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ जो लास्ट है ना वो ये है कि अकॉर्ड जो फिर उसके बाद जितना भी आपने डायग्राम के मुताबिक आपने कंप्लीट कर दिया फिर उसकी ऑब्जर्वेशन और उसकी मॉनिटरिंग इन्वॉल्व हो जाती है। यानी कि उसको ऑब्जर्व करना टाइम के हिसाब से फिजिकल स्कीमा ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट ये था डायग्राम तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइन का, जिसमें आपको मालूम हो गया कि डिजाइन कैसे क्रिएट किया जाता है और स्कीमा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आया कंसेप्चुअल डिजाइन जो है ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा होता है, जो कि डायग्राम में आपको पहले ही बता चुका हूँ। व्यू डिजाइन जो है रिजल्ट, ये वो बातें हैं जो कि आपको लास्ट में आप मैं व्यू डिजाइन जब ऊपर लेयर बता रहा था तो उसमें कंसेप्चुअल डिजाइन जो था वो ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा उसको माना जाता है, क्योंकि ग्लोबली वो तमाम डेटा से उसने तमाम साइट से डेटा कलेक्ट किया होता है, इसलिए वो ग्लोबली ट्रीट कर रहा होता है। इसी तरह व्यू डिजाइन का जो रिजल्ट होता है वो इंडिविजुअल एक्सटर्नल स्कीमा डेफिनेट, जिसको हम ग्लोबल यूजर भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो एक्टिविटी जितनी भी, यानी कि वो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, लिखा तो बाद में हुआ है स्लाइड में लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी एक्टिविटी जो डिस्ट्रीब्यूट जो ऊपर अभी तक जो हम डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस से ऊपर तक पड़ी उसको सेंट्रलाइज डेटाबेस डिजाइन कहते हैं। बाकी की जो एक्टिविटी होती हैं वो बेस करती होती हैं वो एक्टिविटी जो के प्लेसमेंट और डिजाइन की डिस्ट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखी होती हैं। ठीक हो गया। अब जो है आपको जो बॉटम अप स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको बोला कि जिसमें आपको ये बताया कि आपका यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल हो रही होती है बॉटम अप डिजाइन प्रोसेस में, वो आर्किटेक्चर कौन सा इस्तेमाल हो रहा था, वहाँ पर आर्किटेक्चर इस्तेमाल हो रहा है मल्टी डेटाबेस आर्किटेक्चर। अब मल्टी डेटाबेस आर्किटेक्चर में जैसा कि आपको यहाँ पर मौजूद है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला इस डायग्राम में इस तरह है कि लोकल स्कीमा पहले से वहाँ पर मौजूद होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोकल स्कीमा पहले से मौजूद होते हैं, वो उसकी मौजूदगी जो है लोकल स्कीमा की जो वन से लेकर, ये डॉटेड का मतलब है वन, लोकल स्कीमा कितने भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है लोकल स्कीमा की जो ऑलरेडी प्लेस्ड होती हैं ये आती हैं। अगर इस तमाम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे कौन करता है, वो कंपोनेंट स्कीमा करता है। और कंपोनेंट स्कीमा जितनी भी आपकी जो डाटा कलेक्ट करता है लोकल स्कीमा के हिसाब से उसका सब मर्ज कर कर एक अपनी इंफॉर्मेशन सब कंपोनेंट स्कीमा को इकट्ठा करके एक ग्लोबल स्कीमा बनाता है।
और ये ग्लोबल स्कीमा फिर उसके बाद उसको हम एक्सटर्नल स्कीमा पर प्लेस कर कर और एंड यूजर इसको इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो डायग्राम है जिसको मैं 3 से 4 दफ़ा डिफरेंट प्लेटफॉर्म के जरिए समझा चुका हूँ। तो सिर्फ इसका रिव्यू करवाया है कि लेकिन इसमें ये बताया है कि बॉटम अप डिज़ाइन प्रोसेस में मल्टी डेटा बेस आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया जाता है, और ये आर्किटेक्चर इसलिए है क्योंकि इसमें लोकल स्कीमा जो है वो पहले से ऑलरेडी प्लेस्ड होते हैं, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है बॉटम टू अप है, और उसका टॉप टू डाउन इसलिए था कि टॉप डाउन प्रोसेस डिज़ाइन प्रोसेस इसलिए था कि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल न्यू थी, किसी का कोई सी के हवाले से यानी कि स्क्रैच पॉइंट ऑफ व्यू से था कि नथिंग देयर। तब आप जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं तब टॉप से डाउन की तरफ आप स्कीमा बनाते हैं, डिज़ाइन प्रोसेस बनाते हैं, लेकिन बॉटम में पहले से लोकल स्कीमा मौजूद होते हैं, वहां से आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है और लास्ट जाके एक्सटर्नल स्कीमा पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ लग गई होगी जो मैं बताना चाह रहा था। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन का जो इशूज़ हैं वो क्या इशूज़ हैं जो कि हमने स्टडी आउट करने हैं, वो ये है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर, जैसा कि हमने बताया था हमारा जो मेन फोकस है ना वो टॉप डाउन प्रोसेस डिज़ाइन पर है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला उस पर हमारा जो फोकस है सबसे पहले। तो टॉप डाउन प्रोसेस में मेन जो है हमारा फोकस वो यही है के टॉप डाउन प्रोसेस जो कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस डिज़ाइन के हवाले से ठीक है, उसकी कुछ मयस अप्रोच हैं। वो अप्रोच कौन कौन सी हैं, वो है एक है फ्रेगमेंटेशन अगर पॉसिबल हो तो, और दूसरी है रेप्लिकेशन, यानी यू डू फ्रेगमेंटेशन एंड डू रेप्लिकेशन इफ़ है पॉसिबल देन टू हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। ये दो अप्रोचेज हैं जिसको मेजर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस डिज़ाइन में। इसमें ये किसकी है प्रोसेस, टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस की। दोबारा अगेन बताता हूँ, ये टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस की अप्रोचेस है क्योंकि इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसिस को इन्वॉल्व हो रही हैं। ये अप्रोचेस टॉप डाउन प्रोसेस हम डिस्ट्रीब्यूटेड के तौर पर ले रहे हैं, और प्लस इसमें जो आर्किटेक्चर इस्तेमाल हो रहे हैं वो है क्लाइंट टू क्लाइंट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और एक है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। दो आर्किटेक्चर इस्तेमाल हो रहे हैं और इसमें जो अप्रोचेस हैं वो दो अप्रोचेस हैं, एक है फ्रेगमेंटेशन की और एक है रेप्लिकेशन की। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और शायद कि इस पर 2-3 लेक्चर लग जाए, लेकिन डिटेल फॉर्म में इसका मैंशन आउट होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर ये भी हो सकता है कि दोनों जो फ्रेगमेंटेशन और रेप्लिकेशन एक ही टाइम पर हो, सेम टाइम पर बहुत इकट्ठी हो जाएं, और ये भी हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये कि इसकी जो एक्सेस है इस्तेमाल करने की, जब हम कोई नया डिज़ाइन बना रहे हों किसी ऑर्गेनाइजेशन का तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस को। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आपकी पहले से मौजूद ना हो, यानी कि जीरो लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हो। तो यही बात अभी की कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल एक्सेस टू यूज़ व्हेन वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू डिज़ाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो मे बी आर मोस्ट ऑफ द टाइम बोथ विल बी अ सेम टाइम एज वेल लाइक अ फ्रेगमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। और इसके बाद है कि कुछ क्वेश्चंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन इश्यूज़ के हवाले से, उसको वन बाय वन हम देखेंगे, उसकी डिटेल फॉर्म में जाएंगे और इसका बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि फ्रैगमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं, एक इश्यूज़ उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, दूसरा तीसरा है कि हमें करना ही क्यों चाहिए, कितने परसेंटेज या कितना फ्रैगमेंट करना चाहिए, चौथी पे ये फ्रेगमेंटेशन का ही पार्ट आ जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन में कुछ डिज़ाइन इश्यूज के हवाले से कुछ क्वेश्चन है जिसको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो एनीवे टू टेस्ट करेक्टनेस, तो अपनी बेहतरी के लिए अपने उस फ्रेगमेंट जो आपने टास्क बेस्ट ऑप्शन यूज़ करनी है, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि आपके पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत से सोल्यूशंस हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड और दूसरे डेटाबेस डिज़ाइन को यूज़ करने का मतलब वहाँ जहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज हो
और आपकी जो थ्योरी वाइज जो होती है कि आप बेस्ट ऑप्शन यूज करते हैं, तब आप जो भी बेस्ट ऑप्शन यूज करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। और हो सकता है कि आपने बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन आप बेस्ट वे में डिस्ट्रीब्यूटेड अगर यूज कर रहे हैं तो बेस्ट वे में ऑप्शन यूज करें। हो सकता है कि एट द एंड जाकर आपको लगे कि ये मैंने गलत फैसला ले लिया, तो तब मैंने आपको बताया था कि वो अप्रोच में आपको वापसी जो है आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है उस केस में, और एलोकेशन स्ट्रेटेजी क्या क्या होंगी वो हम रीड आउट करेंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूट डिज़ाइन इश्यूज में। और इसके अलावा इसके बाद हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ये भी इसका पार्ट है, ठीक है। और उसके जो फ्रेगमेंट्स के हिसाब से पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें जो इससे पहले पहले मैं आपको डिसएडवांटेज जो आपको स्लाइड में नज़र आ रहे हैं कि मैनेज करना फ्रेगमेंटेशन में के केस में इसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, इन द केस ऑफ रेप्लिकेशन। क्योंकि रेप्लिकेशन में तो आपका डाटा हर जगह मौजूद होता है, लेकिन रेप्लिकेशन में ये है कि आपको बताया था कि पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, ऑन पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, उनकी कॉपीज नहीं अवेलेबल होती। यानी कि जिस तरह रेप्लिकेशन में बताया था कि हर पूरे का पूरा डाटा मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, मुख्तलिफ साइट पर, डिफरेंट प्लेस पर सारे का सारा पड़ा हो, तो वो एप्लीकेशन इजी टू इंस्टॉल एंड इजी टू यूज़, आप नियरली प्लेस से आप इजीली ले सकते हैं एप्लीकेशन में। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में ऐसे नहीं होते, उसमें फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं। तो हमारे जो ये लास्ट क्वेश्चन थे ये सारे फ्रेगमेंटेशन पर हैं, तो इसको हम बेस करेंगे हम एप्लीकेशन के साथ भी। तो मेंटेनेंस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आती है इसमें। ये जो एक ये पहला जो क्वेश्चन आ गया हाउ, यानी कि फ्रेगमेंट्स की फ्रेगमेंट्स बोल लो, या जो पहला क्वेश्चन था फ्रेगमेंट्स पे हैं, पार्टीशंस भी इसको कहा जाता है। तो इस सेंस में क्या क्राइटेरिया है इसका, वो यही क्राइटेरिया फ्रेगमेंट्स और पार्टीशन में आपको बता दूं कि फ्रेगमेंट्स जो है इट्स अ सबसेट ऑफ द रिलेशन डेट इज स्टोर्ड ऑन अ डिफरेंट साइड। ये वो पार्ट है, इसकी डेफिनेशन स्लाइड में मेंशन नहीं की गई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह ही आप रीड नोट डाउन कर लीजिएगा कि फ्रेगमेंट्स और पार्टीशन में फ्रेगमेंट्स जो होती है वो सबसेट है, रिलेशन का ऐसा सबसेट है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था सबसेट का वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि हर कोई अपनी फुली इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता, जिससे जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आंसर करता है। तो फ्रेगमेंट इज द सबसेट ऑफ द रिलेशन डैट इज स्टोर्ड ऑन अ डिफरेंट साइट। तो फ्रेगमेंट है भी यही कि अपनी जो पार्ट्स को, डेटा के पार्ट्स को मुख्तलिफ प्लेसमेंट पर रख देना, मुख्तलिफ साइट पर रख देना, उसको फ्रेगमेंट कराते हैं, यानी कि पार्टीशन रखते हैं फ्रॉम अनदर। तो दोबारा रिपीट करता हूँ डेफिनेशन, फ्रेगमेंट इज द सबसेट ऑफ द रिलेशन डेट इज स्टोर्ड ऑन अ डिफरेंट साइट फ्रॉम अनदर सबसेट ऑफ द सेम रिलेशन। एक ही रिलेशन में दो या दो से ज़्यादा आप उसके सेट्स बना दें और उसको डिफरेंट साइट पर रख दें, लेकिन रिलेशन एक ही होना चाहिए। मतलब इसका ये है कि दो सबसेट हैव टू सबसेट ऑफ द सेम टेबल्स इन फ्रेगमेंटेशन, यानी कि दो सबसेट एक ही टेबल के दो सबसेट फ्रेगमेंटेशन में हो। इसको एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में मल्टीपल सिस्टम हम वर्किंग कर रहे होते हैं मल्टीपल प्लेसेस पे, यही हमने पढ़ा था कि मल्टीपल सिस्टम आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट होती कितनी है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट टू सिस्टम जरूर होने चाहिए। तो यहाँ पर भी यही है कि दो सबसेट ऑफ द सेम टेबल्स या इससे ज्यादा भी सबसेट्स हो सकते हैं सेम टेबल के, वो उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। आई होप कि आपने समझ लगी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इससे फ्रेगमेंट्स का ये होता है एडवाइस, ये भाई भी मैं बता रहा हूँ फ्रेगमेंट ऑफ पार्टीशन का। अभी मैंने हाउ का लफज जो है अभी मैंने कंटिन्यू नहीं किया। एडवांटेजेस ये है कि आपका जो प्लेसमेंट है इसकी, जो डाटा की प्लेसमेंट है, फ्रेगमेंट्स की प्लेसमेंट है, वो हर साइट पर मौजूद होती है, और क्लोजर वन विच रिक्वेस्ट हैज कम। ये एप्लीकेशन की एडवांटेजेस के हवाले से अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका डाटा हर जगह मौजूद हो और वहाँ से आपको किसी का डाटा एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ गई, तो जो नियरेस्ट होगा, क्योंकि डाटा तो हर एक के पास पड़ा होगा एप्लीकेशन में, तो किसी नियरेस्ट से वो डाटा ईजिली ले सकता है। इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस जो मैंने आपको लास्ट मेंशन किए कि डाटा इंटीग्रिटी और मैनेज करना इसको डिफिकल्ट हो जाता है, जो मैंने इससे पहले आपको बता रहा था, ये एडवांटेजेस, डिफिकल्टी टू मैनेज इन केस ऑफ नॉन एक्सक्लूसिव फ्रेगमेंटेशन, और डाटा इंटीग्रिटी की मेंटेनेंस भी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है फ्रेगमेंटेशन में।
अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन जो है कि वाई फ्रैगमेंट्स, ये जो पहला क्वेश्चन था वाई फ्रैगमेंट्स का, वो ये है, उसका आंसर क्या है कि लार्ज आंसर ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक सिंगल लोकेशन पर वर्क करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ओवरलोड पर उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी इंक्रीज कर जाता है। या जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो और उस पर लोड पड़ा हो तो वर्किंग के हिसाब से, लोड के हिसाब से, रिस्पॉन्स टाइम के हिसाब से वो बढ़ता चला जाता है। इस तरह उसकी एफिशिएंसी भी इफेक्ट करती है। तो एक केस तो ये फ्रैगमेंट करने का कि फ्रैगमेंट क्यों किए जाते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पर अगर ऐसा केस हो तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में मसला क्रिएट हो जाता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया ऑटोनमी ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट। कैसे? कि सैटेलाइट के जरिए, अगर सैटेलाइट केस आपके पास हो, आपने वहां पर फ्रेगमेंट्स करके रखे हैं, तो जितना जितना दूर आपकी स्पेस बढ़ती चले जाएगी आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। और ये भी हो सकता है कि आपके उस केस में फेलियर के चांसेस अगर ज्यादा हो सकते हैं, फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और अवेलेबिलिटी जो है, डैमेज अवेलेबिलिटी, ये भी इंक्रीज हो सकती है। तो ऑटोनोमी जो के हिसाब से जो भी पॉइंट था, एक था, एक मैंने आपको बताया वाई फ्रेगमेंट का, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल आउट करना जो डिफिकल्टी आती है इसलिए हम फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि ऑटोनॉमी के हिसाब से अगर मिसाल के तौर पर सैटेलाइट अगर इस्तेमाल करें तो जाहिर सी बात है कॉस्ट के हवाले से बहुत इंक्रीमेंट होता है। दूसरा बात, अगर किसी किस्म की डैमेज हो जाए तो बहुत लॉस बियर किया करना पड़ सकता है सैटेलाइट के तौर पर। और तीसरा आपको बताया कि इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो के क्वेश्चन के मुताबिक, अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन के मुताबिक जो हम रीड आउट कर रहे थे वो ये थे कि जिसमें हाउ एस्पेक्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन, वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसको फ्रेगमेंटेशन के तौर पर आप रखते हैं या यूज करते हैं, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, ठीक है। हाउ एस्पेक्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशंस आर इन्वॉल्व इन देयर। सो उसका आंसर ये है कि हैव द टाइप्स, एक टाइप है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, और कहते हैं कितने एस्पेक्ट्स हैं फ्रेगमेंटेशन के, दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन और एक है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये एस्पेक्ट्स का क्या ताल्लुक है। जब आपके पास टेबल हो और आपने वो एक जगह पर रखे हों, सारे के सारा टेबल को एक जगह पर रखे हों और उसमें आपने फ्रेगमेंटेशन करनी हो, जैसा कि एग्जांपल देता हूँ बैंक की, बैंक एग्जांपल में क्या है, एक टेबल है आपका क्लाइंट का, वहाँ पर टेबल्स क्रिएट किए, एक टेबल है क्लाइंट का, सेकंड टेबल है अकाउंट का, थर्ड टेबल है ट्रांजैक्शन का। अगर ये तीन टेबल्स डिफरेंट प्लेसेस पर रखे गए हों तो जाहिर सी बात है ये डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम इन्वायरमेंट है, यस है। लेकिन इसमें ये एक ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज क्योंकि वजह ये है क्योंकि वन ऑर्गेनाइजेशन हैव डेटा ऑन डिफरेंट प्लेसेस, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो बैंक एक ही बैंक है, उसके अकाउंट्स, उसके क्लाइंट्स, उसके ट्रांजैक्शन जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर तो पड़ी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है। लेकिन यहाँ पर एज ए होल हम इसको यूनिट ऑफ फ्रेगमेंट नहीं कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन्वायरमेंट तो इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन ये इसको इज नॉट, इट इज नॉट अ यूनिट ऑफ फ्रेगमेंट बिकॉज कंसिडरिंग अ एंटायर टेबल, क्योंकि सारे टेबल को हम एक यूनिट ऑफ फ्रेगमेंटेशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास ये राइट अप्रोच है ही नहीं, ठीक हो गया। ये था फ्रेगमेंटेशन का जो पार्ट था जिसको मैंने और डिटेल में आपको आज बता दिया। नेक्स्ट जो है, पहला हमने जो एस्पेक्ट्स में पहला को डिस्कस करते हैं वो है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में ये होता है, इसकी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है कि वर्टिकल जो आपके सबसेट्स हैं ऑफ एटीब्यूट्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में इसकी ये डेफिनेशन है कि डिफरेंट सबसेट्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक अ वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि मतलब इसका क्या है कि आप एट्रीब्यूट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें, टुकड़े
स्टोर कर दें, यानी कि पीसीस बना लें उसके, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और वो डिफरेंट फ्रेगमेंट जो हैं उनको वर्टिकली किसी टेबल में एक उसको डिफरेंट जो फ्रेगमेंट्स हैं वर्टिकली सेम टेबल के, तो उनको एक फ्रेगमेंट एक जगह पर होगा और वो दूसरा दूसरी, यानी कि एक फ्रेगमेंट एक जगह पर होगा और दूसरा फ्रेगमेंट दूसरी जगह पर होगा। ये जो हमने हिस्से बना लेते हैं और उसको वर्टिकली प्लेस कर लेते हैं, इसको वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अगेन रिपीट कर देता हूँ, डिफरेंट सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट आर स्टोर्ड एंड डिफरेंट प्लेसेस। जैसा कि अगर मैं बताऊं कि वर्टिकली हम जो अपने सबसेट्स एट्रीब्यूट्स के हैं उसको तकसीम कर लेते हैं, तोड़ देते हैं, और फिर उनको उनको एक फ्रेगमेंट कह देते हैं, एक अलग अलग फ्रेगमेंट कहते हैं। एक फ्रेगमेंट जो है एक जगह पर रख देते हैं, दूसरा फ्रेगमेंट दूसरी जगह पर रख देते हैं। इसी तरह इसकी जो फॉर्मेशन है वो ऐसे होती है, जैसे कि टेबल में आपको शो है कि एक एम्प्लॉई का टेबल है, उसके एम्प्लॉई में आपके पास एक एम्प्लॉई वन है जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम और एम्प्लॉई डिपार्टमेंट। सेकंड टेबल मैंने बनाया, उसमें मैंने मेंशन आउट किया टेबल में एम्प्लॉई टू के नाम से उसको रखा, और उसमें मेंशन किया एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई की क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉई की सैलरी। ये दो फ्रेगमेंट्स हैं, वर्टिकली पोजिशन में इनको प्लेस किया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ इट नीड वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, जरूरत क्यों पेश आई। इसकी वजह दो है, एक ये कि क्यूरी प्रोसेसिंग में जो डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्यूरी प्रोसेसिंग में जो डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें से एक मेजर फैक्टर ये है टेबल का साइज, रिकॉर्ड साइज, उसकी बेस पर इसकी जरूरत पेश आती है। टेबल के साइज की बेस पर क्यूरी प्रोसेसिंग में टेबल का जो साइज होता है या रिकॉर्ड्स का जो साइज होता है उसकी वजह से इनकी वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन जरूरी होती है, एक बात होगी। दूसरी बात, इनका जो रिप्लाई है वो डिपेंड करता है कम्युनिकेशन टाइम पर। सेकंड बात मैं क्या कर रहा हूँ कि इनका जो रिस्पांस टाइम है, जो भी आप डेटा क्यूरी प्रोसेसिंग में टाइम लगाते हैं या उसका रिस्पांस रिसीवर साइड से आना होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है कम्युनिकेशन टाइम पर, कि हाउ इट टेक टाइम टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर साइड। सो बेहतर यही है यहाँ पर जो पॉइंट क्लियर करने लगा हूँ कि जब आप कोई भी टास्क को जब आपके पास आपको मिले, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शंस यही होते हैं कि आप वो एरिया यूज़ करें या वो आप सिलेक्शन करें, उस चीज़ की सिलेक्शन करें जो आपके लिए आपको फ्यूचर एंड में फ़ायदा दे, यानी कि चूज़ द बेस्ट ऑप्शन व्हेन हैव मोर ऑप्शन सराउंडिंग विद यू। जब बहुत से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हों फिर भी आप इस पर रिलाई करते हैं कि आपके पास जो डाटा है वो आपके पास किस तरह का पड़ा है और आप उसकी चूजमेंट कैसे करते हैं, ये हो गया। ये था बेस्ट ऑप्शंस जो आपके पास रखी गई हैं, इसलिए इसको जो हाउ का वर्ड है वो इसलिए यूज़ किया गया। और वर्टिकल डेफिनेशन आपको बता दी कि एम्प्लॉयज़ का डाटा जिसमें आपके पास एम्प्लॉयज़ की आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन और उसकी सैलरी को एक ही टेबल बना दिया उसने। डिफरेंट सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट आर स्टोर्ड इन द डिफरेंट प्लेस लाइक आर टेबल एम्प्लॉई, मैंने जो आपको बताया फ्रेगमेंट्स के तौर पर डिफरेंट प्लेसेस पर रख देना, वो इसी तरह बेस करता है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड जो कि आपको बता दूं कि आपने जो इसका यहाँ पर पॉइंट है वो ये है, ये भी आपको बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट ऑफ लोकल एंड हेड ऑफिस में रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग वर्टिकल पोजीशन। जो लोकल होते हैं या हेड ऑफिस जितने भी हैं उनका रिजल्ट होता है ज़्यादातर वो बेस कर रहा होता है वर्टिकल पोजीशन के टेबल के, जैसे कि ये आपको यहाँ पर मेंशन है और मैं पीछे भी मेरे ख्याल आई थिंक रिपीट हो गई है, तो वो भी इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट जो जितनी भी अभी डिटेल बता चुका हूँ वो सारी इन स्लाइड से मैच है। नेक्स्ट जो है हमारा जो सेकेंड प्रायोरिटी है वो है एस्पेक्ट जो है फ्रेगमेंटेशन के, वो है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। अब इस हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में जो इसकी जो डेफिनेशंस है, यानी कि इसकी जो पहचान है वो ये है कि ये बेस कर रहा होता है लोकलाइजेशन ऑफ डाटा
rows of the table are spilled on multiple sites like the data in, आगे बताता हूँ क्या होता है, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ जाए कि like a data in client means ये है कि एक table की different sites, different जो sets हैं उनके host को place करना different site पर, यानी कि localization के ही वाले से कि उसको किस किस जगह localize करना है आपने table की rows को जो आपने spilled की होती हैं। हालांकि फ्रेगमेंटेशन का ही ऑफर है, तो जाहिर सी बात है उसमें छोटे छोटे पार्ट्स किए हुए हैं, फ्रेगमेंट्स बनाए हुए हैं टेबल के, उनकी लोकलाइजेशन के हवाले से उन डाटा की उसको कहाँ पर मल्टीपल साइट पर बेस करना हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में इन्वॉल्व होती है। मतलब ये है इसका कि जो स्पिल्ड पार्ट्स हैं वो बेस कर रहे होते हैं आपके लोकलाइजेशन, लोकल लोकेशन ऑफ द कस्टमर क्लाइंट। बेस किस पर कर रहे होते हैं? आपके बेस कर रहे होते हैं ये बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द कस्टमर क्लाइंट। फॉर एग्जांपल ये जैसे कि आपको स्लाइड में मेंशन है कि क्लाइंट का अकाउंट नंबर, क्लाइंट का ये क्यूरी है, क्लाइंट का नेम, क्लाइंट का एड्रेस और क्लाइंट का बैलेंस, अगर बैंक के हवाले से या किसी और हवाले से, ये टेबल्स हैं, टेबल जो इसका प्लेस किया हुआ है डिफरेंट डेटाबेसिस बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। लोकलाइजेशन ही बोला ना, तो फ्रेगमेंटेशन में तो आपको मैंने वर्टिकली फ्रेगमेंटेशन में तो आपको यही बताया कि आप उसमें फ्रेगमेंट्स बनाते हैं और डिफरेंट साइट में, यानी कि उसके जो सबसेट्स हैं वो स्टोर करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, और उसको मैंने आपको बताया कि कैसे उसकी फ्रेगमेंटेशन की जाती है। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही उनके कितने ही टेबल्स जो हैं उनको डिफरेंट साइट पर रख देना हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में, उनके लोकेशन के हिसाब से उनको डिफरेंट साइट में प्लेस करना हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि स्पिल्ड पार्ट जो कि बेस कर रहे हैं लोकेशन ऑफ द क्लाइंट, कस्टमर क्लाइंट के, जैसे कि लाहौर, एक लाहौर का एक फ्रेगमेंट जोन है और पिंडी का एक फ्रेगमेंट जोन है, कराची का एक फ्रेगमेंट जोन है, उसी तरह पेशावर का एक फ्रेगमेंट जोन है और क्वेटा का एक फ्रेगमेंट जोन है, टोटल 5 फ्रेगमेंट जोन है। और देन एवरी क्लाइंट प्लेस्ड ऑन रेलिवेंट फ्रेगमेंट जोन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। जब जिसका एड्रेस या किसी की इंफॉर्मेशन अगर सेव करना पड़ जाए या रखनी पड़ जाए तो उनको उनकी लोकेशंस के हिसाब से उनके रेलिवेंट फ्रेगमेंट्स के साथ, फलां कह सकते हैं कि ये लाहौर का क्लाइंट है, ये पिंडी का क्लाइंट है, ये कराची का क्लाइंट है, पेशावर की, इसमें इनके टेबल्स बने हुए हैं, तो जो लाहौर के होंगे वो लाहौर में सारे सॉल्व होंगे, रिजॉल्व होंगे या वहाँ पर रखे जाएंगे, इस तरह पिंडी के, इस तरह लोकल कराची के, पेशावर के, क्वेटा के, यानी कि उसकी लोकलाइजेशन के तौर पर उनकी प्लेसमेंट करना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। जो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, जो तीसरा हमारा क्वेश्चन था वो ये था, ये क्वेश्चंस हो रहे हैं अभी कि डिग्री ऑफ फ्रेगमेंटेशन क्या होते हैं। आई थिंक हम अपना लेक्चर जो है यहीं पर आज स्टॉप करते हैं, और जितना मैंने आज आपको स्टडी आउट करवा दिया उसका वाइंड अप कर लेते हैं कि हमने जो लोकलाइजेशन में हम जो डिज़ाइन डेटाबेस डिज़ाइन को रीड आउट कर रहे थे उसमें हम जो चीज़ पढ़ रहे थे उसमें डिज़ाइन की स्ट्रेटजी के हवाले से हमने रीड आउट किया था। उसके अलावा हमने इसके साथ साथ इसकी जो स्ट्रेटजीज हैं यानी कि उसके जो स्टेप्स हैं उसको रीड आउट किया, फिर उसके बाद उसके कुछ डिज़ाइन हैं जिसमें टॉप डाउन अप्रोच अप्लाई किया, बॉटम अप अप्रोच अप्लाई किया था, फिर उसके बाद मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए आपको डिटेल फॉर्म में बताया कि डिज़ाइन इशूज़ को कैसे रिजोल्व किया जाता है और किस तरह उसकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए थे फ्रेगमेंटेशन के हवाले से, एक जो कुछ पहला हमने डिस्कस कर लिया व्हाई फ्रेगमेंट्स आर पार्टीशन आर नेसेसरी इन फ्रेगमेंटेशन, उसमें हमने कुछ उसके पार्ट देखे कि वो किस तरह की जाती थी, फ्रेगमेंट कैसे की जाती है, कि जो रिलेशन के हिसाब से होता है और उसकी वजह क्या बताई आपको, उसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन से एस्पेक्ट्स है फ्रेगमेंटेशन से, सेकंड के जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है डिग्री ऑफ फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।